नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 26 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 20 है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के आपदा प्रभावितों को वितरित की 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए प्रदान किए। आपदा के दौरान जब विशेष राहत पैकेज देने पर चर्चा हुई तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 16,000 परिवारों को फिर से बसाने का दायित्व राज्य सरकार पर है। इसी के दृष्टिगत आपदा प्रभावितों को राहत राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसमें घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाले मुआवजे को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही बिजली और पानी के कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किए जा रहे हैं। घर बनाने के लिए सीमेंट का बैग 280 रुपए की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क टीडी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। हिमाचल के 260 मेधावियों के बैंक खातों में 5,000 रुपए डालेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के 260 विद्यार्थियों के बैंक खातों में राज्य सरकार 5,000 रुपए डालेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा को पूरा करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। सभी जिलों के उप निदेशकों से मैथ में आने वाले पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों और आधार नंबर की जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को राजधानी शिमला के होटल पेट ऑफ में अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में पुरस्कृत हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों के नामों का बोर्ड की मेरिट सूची से मिलान करते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और आधार नंबर देने को भी कहा है। परिजनों के मोबाइल फोन नंबर भी देने के लिए कहा गया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार की ओर से मेधावियों के बैंक खातों में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। जांच करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को शिक्षा विभाग की चेतावनी। शिक्षा विभाग ने जांच करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस बारे में जिला उप निदेशकों को पत्र जारी किया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कई जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कई अधिकारी पीड़ित पक्ष के परिजनों और स्टाफ के लिखित में बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, मात्र औपचारिकता निभाते हुए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट निदेशालय में भेजी गई तो संबंधित अधिकारी से भी जवाब तलबी की जाएगी। गोविंद सागर झील वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए नोटिफाई, CM सुक्खू ने की घोषणा। गोविंद सागर झील में जल्द ही क्रूज, मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने झील को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। बुधवार को बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की है। झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में गतिविधियां शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झील में पर्यटक हर प्रकार की गतिविधियों का लुत्फ उठाएंगे, इससे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केतपुर नेर चौक फोरलाइन का काफी लंबा भाग गोविंद सागर झील के किनारे से होकर गुजरता है। सरकारी स्कूलों में 135 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती शुरू, 3 चरणों में होगी परीक्षा। सरकारी स्कूलों में 135 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती शुरू हो गई है। कंपनियों के माध्यम से भर्ती हो रही है। इसके बाद समग्र शिक्षा विभाग स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति देगा। उक्त पदों के लिए 25 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई थी। उक्त पदों के लिए 25 अक्टूबर आवेदन की तिथि तय की गई थी। ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन लिए गए। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी लिखित परीक्षा की तिथि भी तय कर ली गई है। 3 चरणों में ये परीक्षा होगी। 27, 28 और 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। कांगड़ा, मंडी और शिमला में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उम्मीदवार अपने नजदीक जिले के केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन शान से निकली भगवान नरसिंह की जलेब, सुरक्षा सूत्र बांधा।
देव महाकुंभ कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन शाही अंदाज में भगवान नरसिंह की भव्य जलेब निकली। जलेब में ढोलगाड़ों की थाप पर महाराजा कोटी के देवताओं के साथ आए हुए देवलोग खूब झूमे। महाराजा कोटी के सात देवताओं ने जलेब की शोभा बढ़ाई। राजा की चरणी से निकली जलेब के माध्यम से नरसिंह भगवान ने ढालपुर में रक्ष सूत्र बांधा। जलेब के आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी सज धज कर चली। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह पालकी में सवार हुए। शाम करीब 4 बजे राजा की चरणी के पास महाराजा कोटी के देवता आना शुरू हो गए। राजा की चरणी से होते हुए कुल्लू अस्ताल वाली सड़क से पुराने स्टेट बैंक पार्क कला केंद्र के पीछे से होकर ढालपुर चौक में होते हुए वापस राजा की चांदनी पहुंची। बैड अपडेट, हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान -3 दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। केलांग का न्यूनतम तापमान -3 पहुंच गया है। प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बुधवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। आने वाले दिनों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। बुधवार को सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री, कांगड़ा में 29.5, चंबा में 28.8 और मनाली में 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सीएम सुकुवले सरकार वाली तो खाली थक जाना, दिनचर्या का खर्च निकालने को भी नहीं थे पैसे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी खजाना खाली था, दिनचर्या का खर्च निकालने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। भाजपा ने बुरे तरीके से धन का दुरुपयोग किया था। इसके बाद प्रदेश में आपदा आई। विपक्ष के नेताओं ने आपदा के समय सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी। जब 7 दिन का समय आया तो मूक दर्शक बने रहे। कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक स्वयं मैदान में उतर गए। केंद्र सरकार से भी आपदा के लिए जो प्रदेश का हक बनता है भी मांगा गया, लेकिन नहीं मिला। प्रदेश भाजपा नेताओं ने इसमें भी साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सही करना है। इसके लिए सभी के प्रयास आवश्यक है। 90% आबादी गाँव में रहती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था सही करना आवश्यक है। सुक्खू ने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रदेश में अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखेगी। प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 4 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे। आपदा राहत कार्यक्रम में बुधवार को बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने का कोई महत्व नहीं है यदि वहाँ पर सुविधाएं बेहतर ना हो। पूरे देश में हिमाचल कैंसर के मामलों में दूसरे स्थान पर है, ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे सीवरेज लाइन की सौगात देने के लिए फिर से बिलासपुर आएंगे। करसोग में 100 करोड़ रुपए हड़प कर क्रेडिट सोसाइटीज फरार, पीड़ितों ने पीएम को ज्ञापन भेजकर उठाई मांग। मंडी जिले के तहत करसोग में क्रेडिट सोसाइटीज में पूंजी जमा करवाने वाले निवेशकों ने बुधवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेशकों ने प्रदेश के सभी जिलों से जनता को प्रलोभन देकर फरार हुई विभिन्न क्रेडिट सोसाइटीज के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। करसोग में भी कई क्रेडिट सोसाइटीज ने अधिक कमाई का लालच देकर लोगों को ठगा है। इन क्रेडिट सोसाइटीज में लोगों ने RD व FD के माध्यम से करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन अब ये सोसाइटीज फरार होने के बाद पकड़ से बाहर है। ये सोसाइटीज वर्ष 2019 में जनता की गाड़ी कमाई को इकट्ठा कर भाग गई थी। हालांकि इन सोसाइटीज को लेकर सरकार समेत पुलिस प्रशासन ने बांध होने से पहले ही लोगों को अवगत करवा दिया था, लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। ऐसे में निवेशकों का पैसा फंस गया है, इसके लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बरोटीवाला में हरियाणा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। बरोटीवाला में एक उद्योग में कार्यरत हरियाणा की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ ही कामगार ने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने इस संदर्भ में पंचकुला में शिकायत दी थी, लेकिन घटना बद्ध क्षेत्र में होने की वजह से पंचकुला पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए मामला बद्ध पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। इस पर महिला पुलिस थाना बद्दी ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।